बैक टू ए प्लस मॉर्निंग। क्या आपने कोई ऐसा सिंगर देखा होगा जो अपने गाने के लिरिक्स भूल जाए? सुबह सुबह हो जाता है यार, बादाम नहीं खाए हुए थे ये भाई जो है ना, बहुत ही मजेदार हैं। खैर, तीन और भाई हजरात मौजूद हैं हमारे साथ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रोजन बैंड आएंगे आज, हमें ब्लेस करेंगे अपनी म्यूजिकल उसके साथ, सुरीले फन के साथ। तो रोजन बैंड से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? इज्तिमाई रोजन बैंड। इज्तिमाई रोजन बैंड। मुस्तफा जाहिद हैं, आप अपने पूरे बारी बारी, इनको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन मैं इनका नाम कुछ और लेता हूँ, तो ये अपना नाम नहीं बता वो आप टीवी पे नहीं बता सकते। बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा तो पहले मुझे ये बताएं, सुबह सुबह आप लोग क्या सुबह उठते हैं? नहीं, बड़े अरसे बाद एक्चुअली। बहुत अरसे बाद। अच्छा मुस्तफा, यू क्यों होता है कि जो जो अक्सर हमारे न्यू एज बैंड्स वाले हैं वो आराम से लेट सो के उठते हैं, मगर जो सीरियस सिंगर्स हैं वो सुबह सुबह उठ के रियाज करते हैं, आवाज लगाते हैं। Does it make any difference? I don't think so. वैसे अगर किसी ने अपना सीरियसपन दिखाना हो जल्दी उठ के, तो दैट इज अनदर थिंग। कभी भी डिश ये नहीं है, बात की है। कभी भी, आई थिंक प्रैक्टिस तो कभी भी हो सकती है, बट आई थिंक सुबह उठ के करते हैं लोग क्लासिकल सिंगर्स वगैरह। लेकिन इसके पीछे है साइंटिफिक रीजन, लेकिन हर एक अपना हिसाब किताब होता है। वो डॉक्टर ये भी कहते हैं इट्स ऑल इन बिटवीन योर इयर्स, यू नो। सो आपकी जो आप दिमाग से सोच लें वो चीज इंसान कर सकता है। ये बात तो सही है। अच्छा आप दोनों बहुत फ्रेश लग रहे हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है कि इस तरह अभी बस सो के उठ के आए। मैं तो सोया ही नहीं हूँ रात का। अच्छा ये झूठ है, मैं नहीं सोया रात का। आप दोनों भाई भाई रात को नहीं सोए? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले पूछेंगे कि आजकल क्या चल रहा है रोजन बैंड के साथ? कोई एल्बम चल रही है, कोई नया ट्रैक निकला? बल्कि अभी इनका नया ट्रैक आया है, उसके बारे में बताएं जो बनी के साथ। यस, बनी के साथ you have seen the video? Yeah, right? Exactly. Yes, I've seen the video. And you directed yourself? Yes, uh-huh. I started. We had it in our mind. We used to cover the song on the show, so we decided that let's just, you know, do something different with the song. And we approached Bunny, and we said, you know, we have come up with something, and we want you to be on board for the song. And he was more than happy. Mm-hmm. He heard the song and he loved it, and he said, you know, let's just do the collaboration. And Dil Mein Tum. Dil Mein Tum. Hoton Mein Tum, Sapno Mein Jaane Jaane. Nice. So we did the collaboration, we did the video, and I think, mashallah, it is doing quite well now. बहुत धड़ा धड़ चल रही है, बहुत जबरदस्त। जितनी भी पाकिस्तानी गाने चलाते हैं वो उसमें चल जाती है। हाँ, जो थोड़ा बहुत। अच्छा तो वो आज हमसे आप हमें सुनाएंगे, ठीक है वो वाला। हाँ, और कोई एल्बम निकालने का सोचा है? अक्सर म्यूजिशियंस आके कहते हैं कि भाई एल्बम में पैसे भी नहीं है, क्या करें? नहीं, बात तो खैर चलने सही है, बट आई थिंक एल्बम, एवरीवन वांट्स टू डू एन एल्बम। I think your seriousness towards music actually does, you know, come with the release of your album. Exactly. And we are working on the album. Inshallah, I think next year, May, June is what we are looking at. बेटे लोग देख रहे, थोड़ा सीरियस भी होना पड़ता है, सिर्फ मजाहिया तो नहीं हो सकता। अच्छा तो ये इनकी घनी जुल्फों का राज क्या है, ये भी मैं पूछूंगी अभी, मगर अक्सर जो पुराना म्यूजिक सुनने वाले होते हैं उनका एक इमेज बन चुका होता है कि भाई जो नए बैंड्स हैं आजकल के, ये बस लंबे बाल कर लो, ऐनक पहन लो, चीख लो। उस इमेज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आपके रोजन के गानों में तो बड़ा अलाप शलाप भी होता है और बड़ा वो डिफरेंट लाइंस पे है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे स्टार्ट करते हैं, लंबे बालों वाले, क्योंकि लंबी ज़ुल्फ़ें आपकी हैं। ये रेशमी ज़ुल्फ़ें। Why do all like guitarists and musicians have लंबे बाल? ट्रेंड कह सकते हैं। अच्छा। कुछ भी, लेकिन ट्रेंड आपका दिल नहीं किया, आपने बस ट्रेंड फॉलो किया? नहीं, दिल ऑब्वियसली दिल किया, ट्रेंड को देख के दिल किया। अच्छा, ये कि बाकी है कि जो मर्जी कहते रहे लोग, बाकी है कि हर बंदे को पता है काम तो सुनाई देता है ना आपको, बार-बार बाल कटवाने जा भी तो नहीं सकता। क्योंकि म्यूजिक में वाकई बहुत काम होता है और वो सीरियस काम होता है, जब कंपोज करने बैठे हैं या आप जब बजा रहे हैं, और अगर कुछ मुश्किल आप प्ले कर रहे हैं, मतलब गिटार आसान नहीं है जी, कोई इंस्ट्रूमेंट आसान शाहान का। बल्कि मैं यहाँ पे बताता चाहूँ लोगों को कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीजन गिटारिस्ट नाउडेज, और अभी इन्होंने अपनी एक अपनी इंस्ट्रूमेंटल की भी एल्बम सोलो निकाल दी है, तो वो भी Talia music.
वो भी एक फन है इनके अंदर, बहुत कूट कूट के भरा हुआ अभी, और हंसते और इनका एक और फन मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये अगले को जुगल लगाते हैं और खुद ही हंसते हैं उसके ऊपर। ये तो मेरे भाई निकले। तो किसी पिछले जन्म में मेरे भाई तो नहीं थे कहीं। क्योंकि मैं भी खुद ही बात करके ना अपने ऊपर ही जोक मार के अपने खुद ही हंस पड़ती हूँ, और आगे से लोग यूं देख रहे होते हैं कि कैरी पागल गई। पिछले कबूतर में वो जो मेले में पिछड़े हुए बहन भाई होते हैं, देख लो कबूतर तो नहीं है दोनों, कबूतर नहीं होता कबूतर वाला, वो दोनों के है। अच्छा, अच्छा नहीं वापस आते हैं मुस्तफा, मुझे ये बताओ ये जो पहला जिस तरह तुम इंडिया इनका सबसे पहला गाना जो आया था। हाँ। जिसकी वजह से सीन में आए थे, पहला गाना तो और था यादें था, लेकिन जो एक्चुअल सीन में इंटरनेशनली जब आप आए तो ये तेरा मेरा रिश्ता पहला गाना था आपका, तो उसके बारे में बताएं किस तरह उन्होंने आपको अप्रोच किया या आपने उनको किया। महेश भट्ट हर्ड दिस सॉन्ग आई थिंक ओवर द इंटरनेट, और तो फिर आओ सुना था उन्होंने। अच्छा। एंड ही कॉल्ड अस के यू नो ये हमारा सौभाग्य होगा अगर आप। नंबर कहाँ से ढूंढा? आई थिंक नजम शराज। अच्छा, कोई बीच में उन्होंने कॉन्टैक्ट निकाला। और फिर हम जब इंडिया टूर कर रहे थे तो ही वांटेड टू हियर द एल्बम, एंड वी हैड अनदर सॉन्ग ऑन द एल्बम कॉल्ड आना जाना ना कर दीवाना, व्हिच वाज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, सो ही हियर द सॉन्ग एंड ही सेड यू नो वी वुड वांट टू take this song too, and we want to change the lyrical content and everything according to the film. So tera mera rishta purana phir lyrics sun ke yes they wrote the lyrics, to wo itna bada hit ho gaya gana mashallah, matlab raton raat ek wo tabai wale hit nahi hote gaane wo tha, aur wo aise tha ki har koi sun ke usme kho jata tha, usse koi association develop kar sakta tha, aur video aap logo ne jo nikali usme aap log bhi the ji, to matlab ye to wo wali baat ho gayi ki raton raat popularity sab shakal pehchan rahe hain, jahan ja rahe ho keh rahe ho oye wo dekh wo gaane wala hai, तो कैसा फील होता था एकदम से? मजा आता बहुत, ऑफ कोर्स टेंशन तो हर किसी को बहुत यू नो यू एंजॉय द टेंशन, क्योंकि एक रात आप सो के उठे और लोग गुजर रहे थे पास से और बस ठीक था जो भी, और दूसरी रात आप सो के उठे तो सब इशारे कर रहे हैं वो देखो आई थिंक बहुत मजा, वी रियली एंजॉयड ऑल दैट टाइम, आई थिंक प्लस आई थिंक सबसे अच्छी बात उस प्रोजेक्ट की थी दैट वी केप्ट द बैंड डिग्निटी अलाइव, ऐसा नहीं किया कि बैंड को तोड़ने की को बात हुई हो या मैंने कुछ अकेले किया, आई एक्सप्लेन टू देम दैट आई हैव अ बैंड इन पाकिस्तान, एंड अगर वीडियो बनेगा तो रोजन हैज टू बी इन द वीडियो, एंड दे वर काइंड इनफ टू अंडरस्टैंड, एंड रोजन फ्लू टू बॉम्बे एंड वी शॉट द वीडियो माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज अनलेस बैंड वीडियो में नजर अगर नहीं आएगा तो किस तरह लोगों को पता चलेगा कि अपने ही बच्चे हैं अपने। अच्छा, हमने एक ब्रेक पे जाना है मगर गाने से जाएंगे ब्रेक पे, रोजन रोजन के गाने, घर का सिंगर, घर की बात है, किस तरह गाया जाएगा, चले तेरा मेरा रिश्ता गाते हैं, ठीक है। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने